तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज गौतम बुद्ध नगर में बहुत ही धमाकेदार भाषण दिया। आइए सुनते हैं दोस्तों। जो नफरत फैला रहा है, समाज में दूरियां पैदा कर रहा है, साजिश भी करता है, षड्यंत्र भी करता है, पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार अगर किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये जो दिल्ली वाले हैं, कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो लखनऊ वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बन करके रह गई है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। हर तरफ इनके खिलाफ पंचायतें हो रही हैं, खुलकर के लोग इनके खिलाफ आ गए हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस चुनाव में केवल एक सरकार नहीं जाएगी। एक वोट डालोगे लोकतंत्र संविधान तो बचेगा बचेगा, दो दो सरकारें चली जाएंगी, ये रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो एनडीए वाले, ये जो गठबंधन बना करके घूम रहे बीजेपी के लोग, ये कह रहे हैं कि परिवारवाद, परिवारवाद की परिभाषा दे रहे हैं। हमने तो कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग तो ऐसा खा रहे हैं कि डकार भी नहीं ले रहे हैं। बताओ, ये डकार भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बताएं ना बताएं, लेकिन हमारा एक एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। और जब कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्ट्रल की मांग करते हैं, इलेक्ट्रल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इलेक्ट्रल पीने का काम कर रहे हैं। बताओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड में चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है? जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा दोस्तों, आदरणीय श्री अखिलेश भैया जी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप सभी को यह भाषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जितने भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी खबर देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय अखिलेश, जय समाजवाद दोस्तों।